सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको ABCD भी नहीं आता है फिर भी आप इंग्लिश में चैट कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको ABCD नहीं आती है फिर भी आप अंग्रेजी में चैट करेंगे। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको यकीन और भरोसा और विश्वास सब कुछ हो जाएगा और आप इंग्लिश में चैट करने लगेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको ABCD नहीं आती है फिर भी आप चैट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो चैट है, मैं समझ लीजिए कि मैं ABCD भी नहीं जानता हूँ, लेकिन हिंदी तो जानता हूँ। आपको हिंदी पता होना चाहिए, इसके बाद आप इंग्लिश में चैट करेंगे ऑटोमेटिक। तो कैसे ये होता है फ्रेंड्स, तो चलिए, सामने वाला से मुझे बोलना है कि मैं ठीक हूँ और मुझे इंग्लिश में बोलना है, तो मैं तो जानता नहीं हूँ इंग्लिश। तो चलिए मैं यहाँ पर हिंदी में लिख देता हूँ। मैं यहाँ फ्रेंड्स हिंदी टाइपिंग कीबोर्ड ले लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ठीक हूँ। तो देख लिया फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे हिंदी में लिख दिया मैं ठीक हूँ, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम ये जो आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ये वाला, इसको आपको यहाँ से इसे कर्सिव करना है और छोड़ देना है। और देखिए ये इंग्लिश में हो गया आई एम फाइन। और फ्रेंड्स, अब आप समझ लीजिए बात को, अगर सामने वाला आपको इंग्लिश में बोल रहा है तो आप तो इंग्लिश समझिए, ABCD भी आपको नहीं आता फिर आप इंग्लिश समझेंगे कैसे? आप इधर से तो लिखेंगे तो जवाब चला जाएगा, लेकिन उधर से जो इंग्लिश में बोलेगा तो फ्रेंड्स उसका भी उपाय, उसका भी सॉल्यूशन है फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पे आई एम फाइन लिखा हुआ है और हम नहीं समझ रहे कि सामने वाला ने आई एम फाइन लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ, तो आप इसको यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ पर ले जाके इसको छोड़ देंगे फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे हिंदी हो गया मैं ठीक हूँ। और एक बार मैं समझ जाऊँगा कि सामने वाला बोल रहा है मैं ठीक हूँ, उसके बाद अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ से फिर पूछ सकते हैं। जैसे हम पूछ सकते हैं, पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं आप। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, लेकिन हमको इंग्लिश आता नहीं, लेकिन हम इंग्लिश में चैट करना चाहते हैं। तो इसको एक बार यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लाके छोड़ देंगे और यहाँ देखिए व्हाट आर यू डूइंग इसका इंग्लिश होता है। और एक क्लिक में यहाँ से सेंड कर दिए फ्रेंड्स। तो ऐसे करके आप बिल्कुल इंग्लिश में बिल्कुल इजी तरीके से आप चैट कर सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आप बताना चाहते हैं कि मैं खाना खा रहा हूं। देख लीजिए फ्रेंड्स, मैंने जो है यहां पे लिख दिया हिंदी में मैं खाना खा रहा हूं। सामने वाले को ये चीज़ मैं बताना चाहता हूं, सामने वाले ने पूछा हमसे व्हाट आर यू डूइंग क्या कर रहे हैं, और मैं सामने वाले को बताना चाहता हूं इंग्लिश में मैं खाना खा रहा हूं और मैंने हिंदी में लिख दिया और उसको एक क्लिक में यहाँ से क्लिक करूँगा फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ पर इंग्लिश में ये कन्वर्ट हो गया आई एम ईटिंग और यहाँ से सेंड कर दूँगा। तो देखिए फ्रेंड्स कितना ईजी है। क्या आपको अभी भी लगता है कि आप ABCD नहीं जानते फिर भी इंग्लिश में चैट कर सकते हैं? तो जी हाँ फ्रेंड्स, आपका सवाल यही होगा और इससे आपका इंग्लिश 100% इम्प्रूव होगा फ्रेंड्स, ये गारंटी है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप वीडियो को डिसलाइक कर देना, लेकिन आप इस ट्रिक को फॉलो कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड हैं आप उसको इस ट्रिक को बताइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और उसको बताइए कि ऐसे इंग्लिश में चैट करना है। जब फ्रेंड्स क्या होगा, जब आप एक ही सेंटेंस को बार बार पूछेंगे क्या कर रहे हैं आप, और बार बार जब ट्रांसलेट होगा तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, इसका इंग्लिश ही होता है व्हाट आर यू डूइंग। या फिर जब आप बताएंगे मैं खाना खा रहा हूँ या मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर लिखना है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी आप लिखिए एक मिनट में आपको ट्रांसलेट करके दे देगा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे ये सामने वाले को बताना चाह रहा हूँ। तो चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ और यहाँ पे बस एक क्लिक करना है फ्रेंड्स, और आई एम डूइंग नथिंग, एक क्लिक में ये चला गया मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से फ्रेंड्स आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये सब करने के लिए आपको अब ये सवाल होगा कि ये करना कैसे, ये तो आता ही नहीं है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी और एप्लीकेशन ठीक ठाक है फ्रेंड्स, आप एप्लीकेशन के नाम से कहीं भी जाइएगा मत। तो चलिए इसके लिए मैं यहाँ से व्हाट्सएप को बैक कर, तो इसके लिए फ्रेंड्स हम यहाँ से अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ से प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से स्नैप ट्रांस लिखना है, और स्नैप ट्रांस जैसे ही आप लिख के फ्रेंड्स सर्च करेंगे, यहाँ पे देखिए स्नैप ट्रांस लिखा हुआ है और ये सबसे ऊपर में जो ऐप्स आएगा इसको यहाँ से ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स देखिए मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है, तो इसको यहाँ से ओपन करना है। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ से गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से फ्रेंड्स आपको कट कर देना। कट करने के बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी परमिशन का ऑप्शन है, आपको यहाँ से सेटिंग पे क्लिक करना है, और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे स्नैप ट्रांस दिखेगा, जहाँ भी स्नैप ट्रांस आपको दिखेगा इसको यहाँ से फ्रेंड्स आपको अलाउ कर देना फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसे यहाँ से स्नैप ट्रांस को आपको यहाँ से अलाउ कर देना। इसके बाद मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ और एक बार बैक कर लेता हूँ।
और बैक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स ये जो है सक्सेसफुली ऑन हो चुका है और यहाँ पे ऑन लिखा हुआ है। फ्रेंड्स अब इसमें आपको क्या करना है, आप जो लैंग्वेज नहीं जानते हैं फ्रेंड्स, जैसे आपको इंग्लिश नहीं आता है तो यहाँ पे माय फ्रेंड लैंग्वेज है, इसमें आपको डाल देना है इंग्लिश। तो इंग्लिश ऑलरेडी है और आप जो है फ्रेंड्स का जो लैंग्वेज है यहाँ पे उसका लैंग्वेज तो आपको इंग्लिश डाल देना है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब आप जिससे बात करना है उसके में आपको इंग्लिश डाल देना है और आप माय लैंग्वेज जो ये वाला ऑप्शन है इसमें आपको हिंदी डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे हिंदी डाल देता हूँ। अब इस तरह से फ्रेंड्स मैं इसे यहाँ से होम स्क्रीन पे आ जाता हूँ और फिर से जब अपने व्हाट्सएप को यहाँ से ओपन करूँगा तो देखिए ये वाला ऑप्शन आ गया। और मैं किसी को अगर मैं कुछ भी बोलना चाहूँगा और हिंदी में लिखूँगा तो वो ऑटोमेटिक इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। जैसे मैं किसी को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ तो देखिए मैंने यहाँ पे धन्यवाद बोला और इसको इंग्लिश में हम जैसे भी करेंगे यहाँ पे थैंक यू लिख के आ गया। तो देखिए फ्रेंड्स ये थैंक यू आ गया और यहाँ से एक क्लिक में मैं इसे यहाँ से ट्रांसफर सेंड कर दूँगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप बिना ABCD जाने आप इंग्लिश में चैट कर सकते हैं और आपको यकीन भी हो गया होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।